ख्याल रखना यार। कब मिलेंगे हम लोग? अरे यार, देखा देखी ने जो देखना था वो तूने नहीं देखा, और जो तूने देखा वो देखने लायक ही नहीं। ब्रो, ये घर तो शुरू होके खत्म ही नहीं हो रहा है। बड़ा भी है और फुली पॉलिश भी है। ब्रो, मैंने तो बहुत साल पहले ना सोचना ही छोड़ दिया। आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है? जिंदगी भर में झूठ बोलते आया, इंसान को गद्दार होना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड मूवी मुन्ना भाई 3 की अनाउंसमेंट की गई थी, और इसी के साथ साथ फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था। लेकिन उस पोस्टर के आने के बाद मुन्ना भाई 3 फिल्म को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई। कोई कह रहा है कि फिल्म कैंसिल हो चुकी है, कोई कह रहा है कि अगले साल के स्टार्टिंग में आएगी, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था उस समय कहा जा रहा था कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है और 2024 के स्टार्टिंग तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद मुन्ना भाई 3 फिल्म हमें 2024 के लास्ट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी तक हमको इसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है। बस मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया, उसी के साथ साथ फिल्म की कास्ट भी रिवील की है, लेकिन उसके बाद मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन अब बहुत ही जल्द फिल्म को लेकर एक और पोस्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिल्म का स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस पोस्टर के साथ साथ फिल्म के बाकी की कास्टिंग और फिल्म की शूटिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी उसके बारे में कुछ अपडेट मिल सकता है। आपको बता दें कि मुन्ना भाई 3 फिल्म में हमें वही पिछली वाली कास्टिंग देखने को मिलने वाली है। फिल्म में हमें लीड रोल में संजय दत्त ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ अरशद वारसी भी आएंगे। सुनने को ये भी मिल रहा है कि फिल्म में हमें साउथ से भी कोई बड़ा स्टार देखने को मिलेगा या साउथ से हमें कोई हीरोइन देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर भी मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में उसको लेकर भी अपडेट मिल जाएगा। बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो अब की बार भी फिल्म की डायरेक्शन राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में है। इससे पहले वाले दोनों पार्ट को भी राजकुमार हिरानी ने ही डायरेक्ट किया था। अब देखना यह होगा कि राजकुमार हिरानी थर्ड पार्ट में क्या नया लेकर आते हैं। अगर 2024 के स्टार्टिंग तक भी फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो हो सकता है कि 2024 के लास्ट तक हमें मुन्ना भाई 3 सिनेमाघरों में देखने को मिल जाए, नहीं तो ये फिल्म 2025 में देखने को तो मिलेगी ही। वहीं बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है, पर सुनने को ये मिल रहा है कि फिल्म में हर बार की तरह किसी सोशल मुद्दे के ऊपर ही फिल्म की स्टोरी आएगी। अब खबर तो ये भी है कि अब की बार मुन्ना भाई 3 फिल्म की शूटिंग विदेश में शूट की जाएगी। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी। जब तक फिल्म का कोई टीजर रिलीज नहीं हो जाता तब तक फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी मुन्ना भाई 3 फिल्म को लेकर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले समय में हमें फिल्म को लेकर कई अपडेट मिल जाएंगे। इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मुन्ना भाई 3 फिल्म हमें कब तक देखने को मिल जाएगी और फिल्म में हमें क्या क्या कौन कौन नए कलाकार देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।